हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अपनी पसंदीदा कहानियाँ देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत। सावित्री की उम्र लगभग 40-45 साल की थी। काफी समय पहले उसके पति और 5 साल के बेटे की बद्रीनाथ की यात्रा करते समय बस खाई में पलट जाने से मौत हो गई थी। उसका पति फलों का ठेला लगाता था। पति के मरने के बाद सावित्री ने उसका ठेला संभाला। शहर के मंदिर के पास वो अपना ठेला लगाती थी। उस दिन सुबह का समय था, लोग मंदिर में आ जा रहे थे। तभी मंदिर के अंदर से एक औरत अपने बच्चे के साथ दर्शन करके बाहर निकली। बच्चे की उम्र 5 साल थी। बच्चा सावित्री के ठेले पर सजे आमों को देखकर ललचा गया। माँ, माँ देखो ना, माँ कितने सारे आम है, मुझे भी आम दिलवा दो ना माँ, मुझे आम खाना है। ठीक है बेटा। माँ से इतना सुनते ही वो बच्चा उछलता कूदता सावित्री के ठेले पर पहुँच गया और अपनी मीठी आवाज में बोला, ओ फल वाली, मुझे आम चाहिए। सावित्री ने देखा कि एक प्यारा सा बच्चा उसके ठेले के पास खड़ा है। उसे देखते ही उसे अपने बच्चे की याद आ गई। कितना प्यारा बच्चा है, मेरा बच्चा भी तो इतना ही बड़ा था जब इस दुनिया से चला गया था। हाँ हाँ बेटा, जितने चाहिए ले लो। मुझे तो 2 आम चाहिए। 2 क्यों बेटा, तुम 4 ले लो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम चन्नू है। तब तक बच्चे की माँ भी वहाँ पहुँच गई। उसने सावित्री को आमों के पैसे देने चाहे, मगर सावित्री ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। पैसे की कोई जरूरत नहीं है बहन जी, बस आप चुन्नू को लेकर कभी कभार यहाँ आ जाया करना। धीरे धीरे चुन्नू और सावित्री आपस में काफी घुल मिल गए। चुन्नू जब भी आता, सावित्री उसे ढेर सारे मीठे और ताजे फल देती थी। एक दिन हमेशा की तरह चुन्नू आया। आजा बेटा, कल तूने कहा था ना जामुन के लिए, देख आज मैं तेरे लिए कितने सारे मीठे मीठे जामुन लाई हूँ। इतना कहकर सावित्री ने चुन्नू को ढेर सारे मीठे मीठे जामुन दिए। आज तो इन फलों के पैसे ले लो सावित्री, ना जाने कितने दिनों से तुम चुन्नू को फल दे रही हो। कैसी बातें करती हो बहन, माँ भी कभी बेटे से पैसे लेती है, चुन्नू भी तो मेरे बेटे जैसा है, मैं उससे पैसे थोड़े ही लूंगी। चुन्नू की माँ कुछ न बोली, बस मुस्कुरा दी। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम के समय सावित्री अपने ठेले के पास खड़ी थी कि अचानक वहाँ कुछ पुलिस वाले आए और सारी दुकानें बंद करवाने लगे। ये क्या हो रहा है भैया, ये लोग दुकानें क्यों बंद करवा रहे हैं? पूरे देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली है, कोरोना। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसलिए सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सारी दुकानें और बाजार बंद करवा रही है। जब तक सरकार का आदेश ना आए तब तक दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी भैया, रोजी रोटी कमाने के लिए यही काम है मेरे पास, उसे भी बंद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, खाने पीने दवाइयों और फलों की दुकानें खुली रहेंगी। ये सुनकर सावित्री ने राहत की सांस ली। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। सावित्री हमेशा की तरह आती और मंदिर के पास अपना ठेला लगाती। लोग कम होने से उसका धंधा भी कम चल रहा था। एक दिन सावित्री ने सोचा, इस तरह यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना मैं शहर में घूम घूम कर फल बेचूं? हो सकता है इस तरह घूमते हुए मुझे चुन्नू का घर भी मिल जाए। ये सोचकर सावित्री अपना ठेला लेकर शहर भर में घूमने लगी। एक दिन जब वो शहर में घूम रही थी तभी अचानक बारिश होने लगी। सावित्री बुरी तरह भीग गई। उसी रात उसे तेज बुखार हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी। उसके कराहने की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी वहां आए और उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल में भर्ती कराए। अस्पताल में सावित्री को वेंटिलेटर पर रखा गया। पूरे 2 दिन बाद सावित्री को होश आया, डॉक्टर उसके सामने खड़ा था। आपको कोरोना हुआ है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत गिर गया है, आपको कम से कम 3 हफ्ते ऑक्सीजन देना पड़ेगा। सावित्री में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर की बात का कोई जवाब दे सके। 7 दिन बाद उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो बोल सके, डॉक्टर साहब अब मुझे और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा?
अभी कम से कम 2-4 दिन और आपको ऑक्सीजन पर रहना पड़ेगा। आपकी हालत अभी बहुत नाजुक है, थोड़ी सी भी चूक आपकी जान ले सकती है। अब आप आराम कीजिए, मैं शाम को फिर आऊंगा। अगले दिन सावित्री के वार्ड में एक बच्चे को एडमिट किया गया। बच्चे की सांस धौकने की तरह चल रही थी। साफ जाहिर था कि बच्चे को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। सावित्री लेटी हुई थी मगर डॉक्टर की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कह रहा था, सारे शहर में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही अस्पतालों में बेड। अगर कल 2 दिनों में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ तो बच्चे का बचना मुश्किल है। हे भगवान, ये कैसी तबाही है, लोग कीड़े मकौड़ों की तरह मर रहे हैं, रहम कर मेरे मालिक। जब डॉक्टर वहां से चला गया तो सावित्री चुपके से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर वहां से उठी और उस बच्चे को देखने गई। डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन देकर सुला तो दिया था मगर उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। सावित्री ने जब बच्चे का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चा कोई और नहीं, उसका चुन्नू ही था। ऑक्सीजन मास्क हटाने से सावित्री को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसी तरह वो अपने बेड तक पहुंची। वो रात भर डॉक्टर से बात करने को छटपटाती रही। अगली सुबह, डॉक्टर साहब, मेरे चुन्नू को बचा लीजिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ यही नहीं, आसपास के शहरों के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन नहीं है। हमने सरकार से बात की है, हो सकता है कल तक ऑक्सीजन आ जाए। और अगर कल तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरा ऑक्सीजन उसे लगा दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो आपको वैसे ही इतनी बीमारियां हैं, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने का मतलब होगा आधे घंटे में आपकी मौत। हम एक जान बचाने के लिए दूसरी जान खतरे में नहीं डाल सकते। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। उस रात सावित्री रात भर सोचती रही, नहीं, मैं एक बार अपना बच्चा खो चुकी हूँ, इस बार मैं चुन्नू को नहीं खो सकती। अगर मेरी मौत चुन्नू को बचा सकती है तो वही सही, मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। ये सोचकर सावित्री उठी और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल्व बंद कर दिया और फिर से अपने बेड पर आकर लेट गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी मगर उसके दिल में सुकून था कि अब उसका चुन्नू बच जाएगा। अगले दिन जब डॉक्टर मुआयने पर आया तो उसने देखा कि सावित्री का ऑक्सीजन वॉल्व बंद पड़ा है और उसकी सांसें रुक गई हैं। मगर उसकी आंखें अभी भी बेहोश चुन्नू को देख रही थी। डॉक्टर सारी बात समझ गया, उसकी आंखें नम हो गई। अपने सामने उसने कई लोगों को दम तोड़ते देखा था मगर सावित्री की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया। अब क्या करना है सर? सावित्री के ऑक्सीजन टैंक को उस बच्चे को लगा दो, अब ये ऑक्सीजन इस बच्चे के काम आएगा। 2 हफ्ते बाद चुन्नू ठीक होकर घर लौट गया और उधर सावित्री की लाश का बाकी लाशों के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर को छोड़कर कोई भी नहीं जान पाया कि चुन्नू को जिंदगी देने में सावित्री का कितना बड़ा हाथ था। मई का महीना था, पूरा देश कोरोना के आतंक से सहमा हुआ था। अस्पतालों के बेड भरे हुए थे और लोग अपनों की जान बचाने के लिए दर बदर भटक रहे थे। इन्हीं लोगों में 25-26 साल की एक लड़की भी थी, उसका नाम मीना था। एक दिन अचानक आधी रात को मीना को पापा के कमरे से उनके चीखने की आवाज आई। मीना दौड़ती हुई पापा के कमरे में आई। पापा, पापा क्या हुआ? मगर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बेहोशी की हालत में जोर जोर से सांसें भर रहे थे। उनकी हालत देखकर मीना बुरी तरह घबरा गई मगर फिर उसने हिम्मत से काम लिया और किसी तरह पापा को लेकर अस्पताल गई। अस्पताल में जांच के बाद, इन्हें कोरोना हुआ है, ऑक्सीजन पर रखना होगा। ऑक्सीजन का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है। उस दिन से आज तक मीना ऑक्सीजन की तलाश में भटक रही थी। उसे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपने पापा की। इसी तरह दौड़ धूप करते हुए 3 हफ्ते बीत गए। मीना की मेहनत रंग लाई और पापा की हालत में सुधार होने लगा। एक दिन उसके फोन की घंटी बजी।
हेलो हेलो मीना बेटे, मैं हूँ। फोन पर उसके पापा थे। उनकी आवाज सुनकर मीना की आंखें भर आईं। पापा आप कैसे हो और आपने फोन कैसे किया? बेटा मैं ठीक हूँ, अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय के मोबाइल से फोन कर रहा हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। तू अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ठीक होकर घर आ जाऊंगा बेटा। पापा की हालत जानकर और उनसे बात करके मीना के दिल को बहुत सुकून मिला। उधर अस्पताल में, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। 3 हफ्ते से दिन रात एक करके ना जाने कहां कहां से आपके लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रही थी, उसी की बदौलत आज आप जिंदा हो। उसके पापा की आंखें भर आईं। उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था, इसलिए जब मीना पैदा हुई थी तब उन्हें बेटी पैदा होने का दुख हुआ था। आज वही बेटी उनके और उनकी मौत के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। हे भगवान, मैं तुझे हमेशा कोसता था कि तूने मुझे एक बेटा क्यों नहीं दिया। मैं मूर्ख इतना भी नहीं समझ पाया कि तूने मेरी झोली में 100 बेटों के बराबर एक बेटी डाली है। मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करना, मेरी बच्ची की जिंदगी को खुशियों से भर देना। मीना अब मानकर चल रही थी कि उसके पापा जल्दी ही ठीक होकर घर आ जाएंगे, मगर उसे क्या पता था कि एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। शाम को उसके फोन की घंटी फिर बजी। इस बार फोन पर अस्पताल का डॉक्टर था। मिस मीना, वी आर सॉरी, हम आपके पापा को बचा नहीं पाए। मीना को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अभी दिन में ही तो उनसे बात हुई थी, मगर फिर डॉक्टर ने फोन पर अपनी बात दोहराई तो उसे मजबूरन अपना सारा काम छोड़कर अस्पताल जाना पड़ा। सॉरी, आपके पापा 2 घंटे पहले ही खत्म हो गए। मीना की आंख से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। किसी तरह अपने आप पर काबू कर उसने कहा, मगर सुबह तो मेरी उनसे बात हुई थी, उस समय तो वो ठीक लग रहे थे। देखिए, कोरोना के मरीजों को फोन रखना मना है, जरूर आपसे किसी ने मजाक किया होगा। मीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं अपने पापा की आवाज भी नहीं पहचानती? जरूर ये अस्पताल वाले मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे मेरे पापा के पास ले चलिए। सॉरी, सरकार का आदेश है कि कोरोना से मरने वालों के पास किसी को जाने ना दिया जाए। अस्पताल प्रशासन ही आपके पापा का अंतिम संस्कार करवा देगा। ये कैसा नियम है? क्या एक बेटी आखिरी बार अपने पिता को भी नहीं देख सकती? मुझे अपने पापा को देखना है, मुझे ले चलो उनके पास। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ। 2 गार्ड आए और जबरदस्ती मीना को पकड़ कर बाहर निकालने लगे। तुम सब खूनी हो, तुमने ही मेरे पापा को मारा है। मेरे पापा ठीक थे, तुम सब खूनी हो। गार्ड्स ने मीना को बाहर निकाल दिया। मीना अस्पताल के बाहर ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अस्पताल का वार्ड बॉय आया। उसी वार्ड बॉय के मोबाइल से पापा ने मीना को फोन किया था। मैम साहब, क्या आप 13 नंबर बेड वाले अंकल आपके पापा थे? मीना ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने सुबह मेरे ही मोबाइल से फोन किया था। सुबह तो एकदम ठीक थे, फिर दोपहर के समय डॉक्टर आया और उनको एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद वो बेहोश हो गए, फिर उन्हें ले जाकर वो लोग ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अभी पता चला कि उनको डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया। मेरे पापा की बॉडी कहाँ है? अभी तो अस्पताल के मुर्दा घर में ही है। सुबह बाकी लाशों के साथ उनको भी जलाने भेज दिया जाएगा। मुझे अपने पापा को देखना है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जितने पैसे बोलोगे मैं दूंगी। कैसी बात करती हो मैडम, आपके पापा मेरे पिता के जैसे थे। मेरे पिता भी कुछ सालों पहले इस दुनिया से चले गए थे। पिता के जाने का गम मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और रही बात पैसों की, तो मुझे रुपये पैसों का लालच नहीं है। इस अस्पताल में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है मैडम, आपको सब पता चल जाएगा। आप रात के 11:30 बजे मुझे अस्पताल के पीछे मिलना, मैं आपको मुर्दा घर ले जाऊंगा। रात के ठीक 11:30 बजे मीना वार्ड बॉय से अस्पताल के पीछे मिली। वार्ड बॉय उसे सबसे बचाते हुए मुर्दा घर ले गया। लीजिए मैडम, यही है मुर्दा घर, आप अंदर जाकर अपने पिता को ढूंढिए और मैं बाहर नजर रखता हूँ। मीना अंदर गई, वहाँ और भी कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिर उसे अपने पापा की बॉडी मिल ही गई। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं। तभी अचानक मीना का हाथ लगने से पापा का कपड़ा हटा और मीना की नजर पापा की कमर पर पड़ी। वहां ऑपरेशन करने का निशान था।
बाकी कपड़े हटाकर देखने पर पता चला कि उसी तरह के ऑपरेशन का निशान उनके सीने पर भी था। मीना को ये समझते देर न लगी कि उसके पापा का ऑपरेशन कर उनके अंग निकाले गए हैं। फिर उसने वहां रखी बाकी लाशों को भी देखा, उनके शरीर पर भी ऑपरेशन के निशान थे। मीना सारा माजरा समझ गई, वार्ड बॉय सही कह रहा था, यहाँ कोरोना की आड़ में लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। न जाने कितने लोगों को मुर्दा बनाकर उनके अंगों का व्यापार किया होगा, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर मीना ने अपना मोबाइल निकाला और वहां की लाशों का वीडियो बना लिया। अस्पताल वालों को उनकी करनी की सजा देने के लिए ये बहुत बड़ा सबूत था। फिर उसने वार्ड बॉय की मदद से चुपके से पीछे के रास्ते अपने पापा के शरीर को निकाला और घाट ले जाकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करवाया। अगले दिन सारे न्यूज चैनलों पर मीना का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो प्रसारित हो रहा था और अखबारों में अस्पताल में हो रहे घोटाले की खबर छपी थी। सरकार ने तुरंत ही उस अस्पताल के वो डॉक्टर जो इस गोरख धंधे में शामिल थे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उन पर हत्या का मुकदमा भी चलाया। मीना को इस बात का सुकून था कि अब किसी डॉक्टर के लालच की वजह से कोई और अपने रिश्तेदारों को नहीं खोएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।